नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कश्मीर पर लोकसभा में प्रस्ताव पास, राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक, जम्मू कश्मीर में हिंसा और कर्फ्यू को लेकर चिंता जाहिर। तीन राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर आप ने तैयार की आर्मी, केजरीवाल संभालेंगे पंजाब की कमान। नई जिम्मेदारियों के बीच नेताओं को 10 से ज्यादा दिन अपने राज्य में बिताने के निर्देश। प्रॉपर्टी और मुखबिरी की वजह से बरसी बीजेपी नेता तेवतिया पर गोलियां, गैंगस्टर की कांस्टेबल बीवी हिरासत में, मायावती ने अखिलेश से मांगा इस्तीफा, यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। शाहरुख को अमेरिका में रोके जाने पर मचा बवाल, बीजेपी कांग्रेस ने की मामले की निंदा, शिवसेना ने भी उठाए सवाल, तस्लीमा बोली गैर मुस्लिम का मुस्लिमों पर से उठा भरोसा। और दिल्ली एनसीआर में बिकेंगी डीजल गाड़ियां, देना होगा 1% ग्रीन सेस। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 सीसी से अधिक की डीजल गाड़ियों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी से अधिक की डीजल गाड़ियों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटा ली है। हालांकि कोर्ट ने इसके लिए एक शर्त भी लगा दिया है। एससी ने निर्देश दिया है कि अब कार निर्माताओं, डीलर और खरीदारों को 1% अतिरिक्त कीमत पर्यावरण नुकसान करने की क्षतिपूर्ति के तौर पर लिया जाए। इस अतिरिक्त कीमत को ग्रीन सेस का नाम दिया गया है। ये सेस केंद्र सरकार या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा होगा। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इससे पहले कोर्ट में कहा था कि ये सेस पंजीकरण अधिकारी के पास ना जमा किया जाए, क्योंकि पंजीकरण दिल्ली सरकार के अधीन है, जिससे उसे वापस लेने में दिक्कतें आएंगी। संसद भवन में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर मुद्दे पर सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब आतंकी बुरहान अली के मारे जाने के बाद पिछले एक महीने से अधिक समय से कश्मीर में तनावपूर्ण स्थिति है और वहां के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। वह कर्फ्यू का 35वां दिन है। संसद के मॉनसून सत्र में भी विपक्षी कांग्रेस सहित दूसरे दल लगातार सरकार से सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे थे। इससे पहले लोकसभा में कश्मीर के मुद्दे पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें वहां जारी हिंसा व कर्फ्यू पर दुख जताया गया। राज्यसभा में पहले ही इस तरह का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सर्वदलीय बैठक शुरू हुई। लोकसभा की कार्रवाई शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस मानसून सत्र में जीएसटी विधेयक का पारित होना सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही और सदन की 20 बैठकों में 121 घंटे कामकाज हुआ तथा जीएसटी समेत 13 विधेयक पारित हुए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा से पूर्व मानसून सत्र में संपन्न कामकाज की जानकारी सदन के समक्ष रखी। सत्र के अंतिम दिन सदन ने कश्मीर की स्थिति पर एक प्रस्ताव पारित किया और वहां लंबे समय से जारी कर्फ्यू, हिंसा तथा लोगों के मारे जाने पर गंभीर चिंता प्रकट की गई। प्रस्ताव में ये दृढ़ विचार व्यक्त किया गया कि भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता। एक महीने से ज्यादा समय से तनाव झेल रहे कश्मीर घाटी के हालात पर शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। बता दें कि इससे पहले विपक्ष के दबाव के बाद सरकार ने राज्यसभा में कश्मीर पर चर्चा की थी। लोकसभा में कश्मीर को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में कश्मीर हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से जारी हिंसा और कर्फ्यू को लेकर चिंता जताई गई। भारत के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाई है। टीएस ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार खुद ठीक से काम नहीं करती और आरोप जजों और कोर्ट पर लगाती है। टीएस ठाकुर ने ये फटकार परिवहन मंत्रालय से जुड़ी याचिकाओं वाले मामले पर लगाई है। इन याचिकाओं में सड़क हादसों पर केंद्र सरकार का पक्ष पूछा गया था, जिसका जवाब सरकार ने 3 जनहित याचिकाओं के बाद भी नहीं दिया। इन याचिकाओं की सुनवाई टीएस ठाकुर ही कर रहे थे। शुक्रवार को भी सरकार का कोई पक्ष न आने पर टीएस ठाकुर ने फैसला सुनाते हुए परिवहन मंत्रालय पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बदहाली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं गई है। गौरतलब है कि बीजेपी नेता ब्रिजपाल तेवतिया पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने AK-47 से हमला कर दिया था। उनके काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। तेवतिया के साथ उनके 6 अंगरक्षक भी घायल हो गए हैं। उनका इलाज नोएडा के अस्पताल में चल रहा है। बीती रात गाजियाबाद इलाके में अज्ञात हमलावरों ने बीजेपी नेता ब्रिजपाल तेवतिया के काफिले पर हमला किया। हमलावर AK-47 राइफल से लैस थे और उन्होंने तेवतिया के काफिले पर अंधाधुंध करीब 50 राउंड फायरिंग की। इस हमले में बीजेपी नेता तेवतिया के साथ करीब 6 उनके रक्षक भी घायल हो गए। अब पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ के बाद मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। हिरासत में ली गई पुलिस कांस्टेबल सुनीता के मुताबिक उसे पूरी प्लानिंग की जानकारी नहीं थी, लेकिन वो तेवतिया से बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसी की वजह से उसके पति राकेश हसनपुरिया की मौत हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में राजनगर में एक प्लॉट को लेकर रंजिश का मामला सामने आ रहा है। शाहरुख खान के अमेरिकी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए जाने की खबर जैसे ही आई, सोशल मीडिया पर फैंस ने गुस्से में देखे गए तो देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या शिवसेना, सभी ने एक सुर में मिलकर इसकी कड़ी आलोचना की। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मामले पर कहा है कि धर्म महजब के नाम पर अगर इस तरह किसी भी भारतीय को बार बार रोका जाएगा तो ये किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ल ने कहा कि बार बार अमेरिकी एयरपोर्ट पर शाहरुख खान को रोका जाना अमेरिका की सुरक्षा जांच में खामी को दिखाता है। शिवसेना के संजय राउत ने शाहरुख मामले में कहा कि तीसरी बार अमेरिकी इमिग्रेशन में उन्हें रोका जाना बेहद चिंता की बात है। सिर्फ उनका नाम खान होने की वजह से बार बार ऐसा अपमान होना किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने दूसरे तरीके से ये भी कहा कि शाहरुख खान जैसी सेलिब्रिटी को स्वाभिमान दिखाना चाहिए और जिस देश में उनका बार बार अपमान होता रहा हो वहां उन्हें खुद ही अमेरिका न जाने का फैसला करके अपने आत्मसम्मान को ऊंचा दिखाना चाहिए। शाहरुख खान ने भारत को असहिष्णु देश कहा और फिर वो ऐसे देश बार बार क्यों जा रहे हैं जहां इस तरह का असहिष्णु व्यवहार उनके साथ होता रहता है। उन्हें तो तय कर लेना चाहिए कि वो अमेरिका की धरती पर कभी पैर नहीं रखेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को एक बार फिर अमेरिकी एयरपोर्ट पर जांच के लिए रोके जाने की घटना पर राइटर तस्लीमा नसरीन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि शाहरुख को रोका जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वे भारत में स्टार है, अमेरिका में नहीं। तस्लीमा ने लिखा, शाहरुख खान को अमेरिका एयरपोर्ट पर रोका गया तो क्या हुआ? बहुत सारे मुसलमानों को अमेरिकी एयरपोर्ट पर हर रोज रोका जाता है। खान भारत में स्टार है, अमेरिका में नहीं। तस्लीमा यही नहीं रुकी, उन्होंने लिखा, सच्चाई यही है कि गैर मुस्लिम अब मुस्लिमों पर भरोसा नहीं करते। मुस्लिम आतंकी निर्दोष लोगों को मारते रहते हैं। लोगों को डर लगता है कि अगर आप मुसलमान हैं तो हो सकता है कि आप आतंकी हो। जम्मू एवं कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हुए प्रदर्शनों में मारे गए शब्बीर अहमद मिर की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसके शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच करने के आदेश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक शब्बीर की मौत पैलेट गन से हुई, जबकि उसके पिता का दावा है कि शब्बीर को गोली मारकर उसकी हत्या की गई। पीड़ित की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य को कड़ा संदेश जाना चाहिए और पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा कि शब्बीर की मौत गोली लगने से हुई या पैलेट से। अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक श्रीनगर में जिले के प्रमुख जज के देखरेख में होगी या कार्रवाई होगी और प्रमुख जज के सुझाव पर डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।